हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम इसकी देखभाल करें और इसके रनर से नए नए प्लांट कैसे बनाएं। और आज मैं आपको इनको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी कि ये देखिए, ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये मैंने सिर्फ एक ही प्लांट से बनाए हैं। और मैं दिखाऊंगी आपको मदर प्लांट भी, जिससे मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। फ्रेंड्स, इसे लगाना बहुत ही आसान है और इसके साल में 2-3 बार इस तरीके से रनर्स निकलते हैं। और इसी रनर्स से मैं अपने ये जितने भी ये सारे प्लांट हैं, मैंने इसी रनर्स से बनाए हैं। और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है और उतना ही आसान इसे ग्रो करना होता है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर पॉट में लगाएंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 रनर्स एक साथ लगाए थे और तीनों ही कितने ग्रीन लग रहे हैं और एकदम हेल्थी से प्लांट हैं। और काफ़ी सारे तो मैंने अपने जानने वालों को भी दिए हैं और इसमें रनर्स निकलते ही रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वाटर रिक्वायरमेंट की। इसमें फ्रेंड्स, कभी भी आप पानी ज़्यादा न दें, और अगर आप इनको ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट गलने लगता है और इसकी आगे की जो लीव की पॉइंट होती हैं वो ब्राउन होने लगती हैं। अगर आपके प्लांट में ऐसा कुछ भी हो तो आप समझ जाएं कि आप इसमें ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो आप इसमें पानी कम दें। पानी इसको इतना ही चाहिए जितना कि मतलब इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे, ज़्यादा सोगी ना रहे। ज़्यादा अगर पानी दे देंगे तो ये प्लांट गलने लगता है। पहले मैं भी एक फ़र्स्ट टाइम जब इस प्लांट को लाई थी तो मुझसे भी ये गलती हुई थी, तो ये प्लांट मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब मैं जब सेकेंड बार लेकर आई तो मैंने इस बात का ख़ास ध्यान रखा और इसको कम पानी दिया। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये सेमी शेड में रखने वाला प्लांट है। इसकी सनलाइट जो है, आप इसको शेड में रखिए और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तब भी इसकी लीव बर्न हो जाती हैं। अगर आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो भी इसकी अच्छी से ग्रोथ नहीं होगी और ना ही इसकी लीव्स इतनी ग्रीन होंगी, क्योंकि ये जब मेरे यहाँ बाहर हैंग हो रहे थे तो वहाँ इनको धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो वहाँ भी इनकी पत्तियाँ जो थी वो जलने लगी थी। अब मैंने इनको उठाकर शेड में रख दिया है तो ये एकदम से ग्रीन हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका मदर प्लांट। और इसके मदर प्लांट्स में आप देखिए अभी भी कितने सारे रनर्स हैं। इसमें साल में 2 या 3, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ये चौथी बार, फोर्थ टाइम ऐसा हो रहा है कि इसमें रनर्स निकले हैं। और कितने सारे रनर्स हैं ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ये समझ लीजिए 10-15 रनर्स अभी भी आ रहे हैं। और इसकी अगर हम मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने मिट्टी जो बनाई थी उसमें मिट्टी और थोड़ी सी रेत और बाकी उसमें मिलाई थी मैंने वर्मी कंपोस्ट। आप ऐसे ले लीजिए, जैसे 60% आपने मिट्टी ले ली, 20% बजरी और 20% ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। और उसकी मिट्टी में मैंने इस प्लांट को लगाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आज आपको लगा कर बताऊँगी कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ। तो इस ऐसी ही मैंने इसमें मिट्टी बनाई थी। उसके बाद इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसे देना चाहें तो 1-2 महीने में वर्मी कंपोस्ट का कंपोस्टी बनाकर दे दीजिए। इससे ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप इसमें पानी का और सनलाइट का ध्यान रखिए, ये प्लांट बड़े इजीली आपके गार्डन में ग्रो होता रहेगा। और एक प्लांट से 10-12 प्लांट आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने इसकी जड़ में ऐसे ही रख दिए थे और अपने आप ही इसमें ये लग गए। इसमें तो मैं इन प्लांट्स को ऐसे ही रख कर भूल गई थी, और जब मैंने इसमें पानी दिया तो इन्होंने अपने आप ही देखिए इसमें जड़ पकड़ ली, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है, इसके नीचे धूप कम आती है, इसलिए ये इसमें इजीली लग गया।
तो दोस्तों स्पाइडर प्लांट को लगाना बेहद आसान है। ये देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने ये रनर्स लगाए थे, इसमें सभी जितने भी मैंने रनर्स लगाए थे सभी लग गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई गला हो या कोई ख़राब हुआ है। और बल्कि देखिए इसमें तो और मतलब एक रनर और निकल कर आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी मैंने जो कटिंग कॉलियस की लगाई थी वो भी चल गई हैं, और ये बेबी टीयर्स की ये भी लग गई है, बाकी काफ़ी सारी कटिंग्स मेरी चल गई हैं। अगर हम 70-60% भी कटिंग लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हिबिस्किस की लगाई थी, हिबिस्किस की मैंने 6-7 कटिंग लगाई थी जिसमें से मेरी 4-5 चल गई हैं। तो दोस्तों बहुत खुशी होती है जब अपने ही कटिंग से, अपने ही प्लांट की कटिंग से या फिर अपने ही इस तरीके से प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। देखिए एक पॉट में मैंने कॉलियस की ये कटिंग लगाई थी, अभी इन्हें लगाए हुए 1 वीक ही हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए। और कुछ कटिंग्स मैंने इस साइड लगाई थी स्पोर्ट्स की, सारी कटिंग्स मेरी चल गई क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। और ये देखिए एक गुलड़ की कटिंग ये है, ये भी अच्छे से लग गई है, अच्छे से इसमें लीव्स भी आ गई हैं और आराम से चल गई हैं। कटिंग लगाना इस टाइम बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिए, ज़रूर आपकी 8-10 कटिंग ज़रूर लगाइए, उसमें से आपकी 2-3 कटिंग तो ज़रूर चलेंगी। लेकिन बस ये देखिएगा जैसे गुलहड़ वगैरह कनेर होती है उसकी कटिंग थोड़ी आप मोटी लें, मोटी से मेरा मतलब है इतनी तो लें जितना पेंसिल होती है उस टाइप की, क्योंकि पतली कटिंग नहीं चलती हैं, और अगर पेंसिल के मोटाई की आप कटिंग लेंगे तो ज़रूर चलेंगी। तो मेरी तो काफ़ी सारी कटिंग इसमें चल गई हैं। तो दोस्तों फिर मैं चलो आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल अपने यहाँ की सिंपल मिट्टी ली है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, और इस तरीके से इसको मैंने इसमें रख दिया और इस तरीके से साइडों से मिट्टी को प्रेस कर दिया जिससे इसकी जड़ें इस मिट्टी में अच्छे से टच हो जाएं बस। और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी दे देना है, और नेक्स्ट टाइम पानी जब भी देना है जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। फ्रेंड्स आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, बस पानी में स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, और 8 दिन में इसमें अच्छे से रूट्स बन जाती हैं, जब रूट्स बन जाएँ तो आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। तो दोस्तों ये तो स्पाइडर प्लांट की सारी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। फिर मिलूंगी, बाय बाय दोस्तों।